श्रीमद भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवद गीता की त्रयोदश अध्याय पर है। इस त्रयोदश अध्याय से जो है जीव ब्रह्म की एकत्व प्रतिपादन कैसे हो सकता है, उस एकत्व बोध की रास्ता को सिद्ध करने के लिए, और यहाँ पे उसमें बोध क्यों नहीं हो रहा, प्रतिबंधक क्या है और प्रतिबंधक मिटे कैसे, इसी प्रक्रिया को बताते हुए पूरा 13 से लेकर 18 अध्याय तक समाप्त हो जाता है। बीच में पूरा भगवद गीता समस्त शास्त्रों की सारभूत क्या वस्तु है उसको एक मतलब अभ्यास लिंग बोलते हैं, जिसका हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका घुमा घुमा के दो चार बार बोलते हैं। तो पंचदश अध्याय ऐसे ही है, पूरा भगवद गीता की पूरा विषय को एक साथ सामने ला करके संक्षेप में खत्म कर दिया गया। फिर 16-17 अध्याय में तो हमारा गुणत्रय श्रद्धात्रय जो है द्वैत वासु संपद विभाग जो थे, इसमें क्या ग्रहणीय है क्या त्याज्य है, क्यों हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सभी वस्तु में वही तत्ववाद बिंदु होने है, सभी वस्तु में विद्यमान होने पर भी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये सब कारण कैसे मिटे उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ज्ञान को, ज्ञान प्राप्ति को साधन को ही ज्ञान शब्द के द्वारा कह दिए थे, अमानितम से लेकर के जो है अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, ये जो है बार बार विचार करते यहाँ तक जो 20 साधनों के बारे में यहाँ पे कथन किया। आप कथन करने के बाद जिसके लिए कथन कर रहे हैं, जिस ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस साधन को अपनाना पड़ेगा, आप उस ज्ञान के बारे में कथन करना चाहते हैं। तो मैं पीछे फिर नहीं जा रहा हूँ, कल संक्षेप में वर्णन कर दिए थे, आज जो है 12वां श्लोक शुरू होगा आज। ठीक है, देखिए ए भी साधने मनुष्य सरस्वती का भाष्य में देखिए, ये आपके पास पुस्तक नहीं है क्या, उसी में है तैयार नहीं है। अच्छा, ए भी साधने ज्ञान शब्दित किम ज्ञेयम इति अपेक्षायाम आह, इन साधनों के द्वारा ए भी साधने मतलब इन साधनों के द्वारा, कौन साधनों के द्वारा, अमानितम से लेकर के तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन यहाँ तक की जो है साधनों के द्वारा जो 20 साधन के बारे में, ए भी साधने
जिसको यहाँ पे किस शब्द की तरह कहा गया, ज्ञान शब्द की तरह कहा गया। ज्ञान शब्द के मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन को भी ज्ञान शब्द की तरह कहा गया, क्योंकि साधन पूरा हो तो ज्ञान अपने आप तो व्यक्त हो ही जाता है। इसलिए किम ज्ञेयम, इस ज्ञान के द्वारा क्या जानने योग्य वस्तु है, ज्ञेय वस्तु क्या है, इति अपेक्षाया, इसकी अपेक्षा होने पर आह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है ना। इस साधनों के द्वारा, जिस प्रकार कुल्हाड़ी के द्वारा छेदन करने योग्य वस्तु क्या है, कभी कभी आप देखना वो नाइफ देते हैं, थोड़ा तो नाइफ प्लस प्लस पतला प्लास्टिक का होता है, तो उसके द्वारा आप लोहा काटने जाएंगे कि नहीं, तो उसके द्वारा केक काटा जाता है, केक है कि नहीं, नरम वस्तु कुछ काटा जाता है। तो इस प्रकार इस नियम, इस ज्ञान की साधन के द्वारा इस प्रकार से क्या जानने योग्य वस्तु का कहाँ प्रयोग होगा, इसको जानने की इच्छा होने पर, इसको जानने की इच्छा होने पर इति अपेक्षा या आओ उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ज्ञेयम जत्तत इत्यादि षड्विहि। यहाँ से लेकर के 12, 13, 14, 15, 16, 17 इच्छा श्लोक के द्वारा उस ज्ञेय तत्व के बारे में कथन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 6 श्लोक मतलब षड्विहि श्लोक ही, 6 श्लोक के द्वारा यहाँ पे ज्ञेय तत्व के बारे में कथन करेंगे भगवान श्री कृष्ण। इस ज्ञान के द्वारा कौन, ज्ञान के साधनों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा अमानित अदम्बित अहिंसा शांति मार्ग, इन प्रकार के साधनों के द्वारा जानने योग्य वस्तु किसको जाना जाता है, उसकी आपके आकांक्षा होने पर, अपेक्षा होने पर अब भगवान श्री कृष्ण 6 श्लोक के द्वारा उसकी कथन करते हैं। अब श्लोक को देखिए, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्यामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्मा, अनादिमत्परं ब्रह्मा, नासत्तन्नाशदुच्यते, नासत्तन्नाशदुच्यते, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, नासत्तं नाशदुच्यते। जब ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो जान, इस प्रकार साधन के द्वारा जो जानने योग्य वस्तु है अर्जुन, उसको मैं तुमको अभी बताऊंगा, है ना। जब ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य वस्तु है उसको मैं अभी कहूंगा। इसको जानने से क्या लाभ होगा, हम आपको इसको जानने से ये लाभ होगा, जब तक नहीं कहेंगे तब आपको जानने की इच्छा प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए तुरंत फल कथन करते हैं, क्या कथन करते हैं, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने पर मनुष्य संसार बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से जुट जाता है, इसको अमृतत्व कहते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो कौन है वो, तत् अनादिमत् परम ब्रह्म। तो ज्ञेय वस्तु कौन है, जो अनादि वाला और परम ब्रह्म है, जो अनादिमत् अनादि वाला जो परम ब्रह्म है उसके बारे में, तब वो वस्तु है। और उसका तो जानेंगे कैसे, उसको किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकते, से होता है न सत न असत उच्यते, उसको सदरूप से अथवा असत रूप से, मतलब ये है ब्रह्म ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और ये नहीं है ब्रह्म ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ये बड़ी विचित्र बात है। सत असत शब्द दोनों के द्वारा उसको निरूपण नहीं किया जा सकता है, और ये नहीं समझना उसको ब्रह्म तो हमेशा सत रूप ही है, वो सच्चिदानंद सत के यहाँ पर सत शब्द के द्वारा नहीं कहना चाहते हैं, त्रिकाल अबाधत्यम सत्यत्म विधि सत है, उस सत के यहाँ पर सत शब्द के द्वारा नहीं कहा गया, सत शब्द का अभिप्राय है ये है, अफर्मेटिव वे में भी नहीं कहा जा सकता है, और निषेध मुख से भी उसका विवरण नहीं किया जा, मतलब अस्ति नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। केनु उपनिषद में इसलिए एक पद आते हैं, अन्नम एव तद विदितात् अथ अविदितात् अधीन। केनु उपनिषद में आता है, जब शिष्य बोलता है कुछ तो बताइए उसके बारे में, बोलता है वो अनविदित वस्तु, मतलब जितना जानने योग्य वस्तु है वो जानने योग्य वस्तु से भिन्न है, मतलब क्या हुआ, नंदे जानने योग्य नहीं है, जानने योग्य जितना वस्तु संसार में है उससे वो भिन्न है, मतलब क्या हो जाएगा, वो जानने योग्य नहीं है, नहीं होगा। तो सूर्य अपने बोलते नहीं, वो जानने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है,
अन्नत एव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, नहीं जानने योग्य जो वस्तु है उससे भी परे है, दोनों से भिन्न है। इसीलिए यहाँ पे सत असत रूप से इसको निर्वचन नहीं किया जा सकता है। अपने आप बोलेंगे मुदृष्ण से अधिकार्थ, मतलब इस जिसको जानने से अमृतत्व प्राप्त होता है वो परब्रह्म, उसको सत रूप से अस्थि रूप से भी नहीं कहा जा सकता है, नास्ति रूप से भी नहीं कहा जा सकता। ये है, ये है, ऐसा करके भी नहीं बोला जा सकता, और ये नहीं है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता, सब में ही वो विद्यमान है। माया के लिए भी हम लोग सत असत कहते हैं कि सत की तरह असत की तरह इनको व्याख्या नहीं किया जाता। वहाँ पे सत शब्द का अर्थ होता है अथवा नहीं है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है उसको कार्य रूप में अथवा कारण रूप में दोनों रूप में नहीं कहा जा सकता है। जब अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब ज्ञेयम् मुमुक्षुना तत् प्रवक्ष्यामि। मधुसूदन भाष्य में जब ज्ञेयम् मुमुक्षुना, जो संसार में जानने योग्य वस्तु है, कौन इस ब्रह्म को जानेंगे, सभी व्यक्ति थोड़ी जानना चाहेंगे, जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है, इसलिए मुमुक्षुना अधिकारिक पुरुषों के द्वारा तब वो जानने योग्य वस्तु को प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको कहूँगा। प्र उपसर्ग का अर्थ करता है प्रकर्षेण स्पष्टतया वक्ष्यामि। बड़ी विचित्र बात है, क्या बड़ी प्रतिज्ञा क्या करते हैं, मैं तुमको स्पष्ट करके समझाऊंगा। अब उत्तर क्या देते हैं, उसको ज्यादा संतोष से नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट बात में। अरे क्या है, इतना भगवान नाटक लिखते हैं, इतना तो उद्घोष किया, मैं तुमको बताऊंगा, और बोलते समय क्या बोला कि नहीं उसका है जब नहीं कुछ बोला नहीं जाता, ऐसा कोई प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्टि ऐसे नहीं होती, धनते वो भाई नहीं है उसके ऐसे ही बोला जाता है। यानी कि जिसको है रूप में भी नहीं बोला जा सकता है, नहीं रूप में भी नहीं बोल सकता, पुष्ट है ही नहीं, यदि है होता तो दिखाई पड़ता। इस प्रकार से कई प्रकार संशय उठाए वहाँ पे भाष्य। जब ज्ञेयम् मुमुक्षुना तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है मुमुक्षु साधकों के द्वारा, जो वस्तु संसार में जानने योग्य है मैं उसके बारे में कहूँगा। ये प्रवक्ष्यामि का प्र उपशब्द का अर्थ करते हैं प्रकर्षेण, मतलब अर्थ करते हैं स्पष्टतया वक्ष्यामि, स्पष्ट रूप से कहूँगा। इस प्रकार से श्रोतुर अभिमुखीकरणाय फलेन स्तुवन आह। अब मैं आपको बोला कि देखो मैं तुमको अच्छी करके समझाऊंगा, संबंध से क्या लाभ होगा, यही लाभ होगा कि बस जो चाहते हो वही मिल जाएगा, जो चाहते हो वही मिल जाएगा, तब तो मैं जरूर जानूंगा। जिस प्रकार सेठ के तो गुरुकुल से पढ़ के आया तो वो लंबा चौड़ा बात करने लग गया, उसको थोड़ा सा उद्धव तो दिखाई दिया, तब पिताजी ने बोला अच्छा तुमने अपने तुम्हारे गुरु जी ने तुमको उस तत्व के बारे में कहा, तो पूछे कौन सा तत्व, जिस एक तत्व को जानने से सारा तत्व को जानना हो जाता है, तुरंत उनका मन में गाड़ी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं मिट्टी को जानूंगा कपड़े का ज्ञान मेरे को थोड़ी हो जाएगा, एक तत्व को जानने से सारा संसार की ज्ञान हो जाता है, फिजिक्स का ज्ञान से क्या मैं इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, वह शब्द तो ऐसे ही दिखता है वहाँ पे, एक को जानने से सारा ज्ञान हो जाता है, तो उसका कौतूहल होता है, तो ये ज्ञान कैसा होता है जी बताइए मेरे को। इसी मतलब श्रोता को अपने अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए, श्रोता को अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए फल कथन को पहले कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं श्रोतुर अभिमुखीकरणाय, श्रोता को अपनी तरह अटेंशन को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कोई अनाउंसमेंट होता है तो क्या बोलते हैं योर काइंड अटेंशन प्लीज, क्यों आप कृपया ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए, इसी प्रकार वो ध्यान को भगवान की तरफ करने के लिए बोलने कारण फले नस्तुमन, इस प्रकार ज्ञान की क्या लाभ है उसकी द्वारा स्तुति करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब वक्षमानम क्या बोलते हैं, जत ज्ञातं अमृतम अश्नते, जत वक्षमानम मतलब जिसको मैं आज कहने जा रहा हूँ उस ज्ञान को, जब वक्षमानम ज्ञानम मतलब जो आगे जिस ज्ञान ब्रह्मों के बारे में कहने ज्ञान को ज्ञात्वा जान करके अमृतम अश्नते, अमृतम भक्त क्या कर दिया संसार बंधना मुच्यते, है ना संसार से मुक्त हो जाते, इति अर्थ इसका विपरीत आता है। अब प्रश्न ठीक है भाई, तो क्या वस्तु है वो जिसके ज्ञान से लाभ होता है, किम तत् वो वस्तु क्या है जिसके ज्ञान से इस प्रकार संसार बंधन से वस्तु छूट जाते हैं, तो बोलते हैं अनादिमत परम ब्रह्म भव्य, क्या पद आया अनादिमत, आदिमत न भवति इति अनादिमत, मतलब आदिमत जो नहीं है, जो आदिमत मत मत प्रत्यय वाला अर्थ में आया हुआ है, पोजिशन अर्थ में,
जो आदि वाला नहीं है, वो हो गया अनादिमत, जो आदि वाला नहीं है, है ना। आदिमत नहीं, इस पर बोलता अनादिमत, अनादिमत आदिमत न भवति, जो आदि का आदि कभी भी नहीं होता, जो आदि वाला नहीं है, इति अनादिमत। तो क्या है वो? परम निर्तिशय ब्रह्म सर्वत अनवच्छिन्न परमात्म वस्तु, है ना। वो क्या है? मतलब वो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, निर्तिशय मतलब जिसको अतिक्रमण करके और कुछ नहीं हो सकता है। वो क्या वस्तु है? एक व्यापक तत्व है, और व्यापकता को समझाने के लिए सर्वत अनवच्छिन्न, देश परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, जिसमें नहीं है ना, सर्वत हर प्रकार से जिसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है, वही परमात्मा वस्तु, वही यहाँ पे बोलते हैं आत्मा की जो श्रेष्ठ अवस्था परमात्मा, मतलब जो शुद्ध आत्मा, वही वही वस्तु है, जो ब्रह्म है वही शुद्ध आत्मा है। परम निर्देशम परम अनादिमत परम, मूल में देखिए परम शब्द आया हुआ है, परम शब्द का अर्थ क्या कर दिया? निर्देश, जिसको अतिक्रमण करके और कोई वस्तु नहीं हो सकते। परम के बाद मूल में क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या कर दिया? सर्वत अनवच्छिन्न, किसी भी प्रकार से कोई परिच्छिन्नता उसमें नहीं है। है क्या वस्तु? मतलब शुद्ध आत्मा, परमात्मा शुद्ध आत्मा ये है। अब बोलते हैं जो अनादि इति एतावता एव, यदि आप अनादि बोलते तो इतना मात्र से तो आदि जस्य न विद्यते स अनादि, इसका भी उदय कम देता है, तो अनादि के साथ मत पद को जोड़ दिया आपने भी। अनादि इति एतावता एव बहुब्रीहिणा अर्थ लाभे अपि अतिशायने क्षय अतिशायने नित्य योगे व मतुप प्रयोग। यहाँ पे जो मतुप प्रत्यय आपने किया, मतलब मत अलग आपके पास आया पोजिशन अर्थ में, आप इसको क्यों किया? आप आदि जिसका नहीं है वो हो गया अनादि, उसमें मतुप क्यों लगाया? फिर मतुप लगाने लगाया बिना भी यही अर्थ प्राप्त होता है। तब मधुसन शब्द है अनादि इति एतावता एव, केवल मात्र अनादि, केवल इतना शब्द को प्रयोग करने से ही वो बहुब्रीहि समास, मतलब आदि जस्य न विद्यते स अनादि, बहुब्रीहि समास के द्वारा ही इस अर्थ को प्राप्त हो जाने पर भी बहुब्रीहिणा अर्थ लाभ्य अपि, परंतु ये मधु अर्थ यहाँ पे अतिशायन नित्य योगे, मतलब इसकी अतिशयता निर्दिशयता और हमेशा ही निर्दिशयता विद्यमान रहता है, इसको समझाने के लिए मधु प्रत्यय आया अनादिमत। ये मधु प्रत्यय में अतिशायन नित्य योगे च मधु प्रयोग, मधु शब्द का मतलब विकार अर्थ में आता है ना, अनादिम वाला है ना, इस प्रकार किस अर्थ में, मतलब जिसको अतिक्रमण कर कुछ नहीं हो सकता है, और ये इसका जो स्थिति वो हमेशा ऐसा ही रहता है। इस प्रकार जैसे श्रीमत बोलते हैं, श्रीमत मतलब क्या हो गया, मतलब जिसका प्रथम एक बचन है श्रीमान, लक्ष्मी युक्त लक्ष्मी वाला, तो आपका लक्ष्मी आपके साथ हमेशा एक ही रूप में रहेगा ऐसी बात नहीं है, और आपका लक्ष्मी निरतिशय होगा भी जरूरी नहीं है। वहाँ पे तो अशात हमारे पास कुछ दिन आपके अधिक हो सकता है कम हो सकता है, और आज है कल नहीं हो सकता है, परंतु ब्रह्म में जो अनादिमत है ये निर्देश अनादिमत है, और इसका मतलब ये कभी भी परिवर्तन व्यभिचार नहीं है, इसका कभी व्यभिचार नहीं है, इसे नित्य योग्य व मतु प्रयोग, मतु शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई कोई इसका मतलब श्रीधर स्वामी ने यहाँ पे क्या किया, अनादि इति च मत परम इति च, एक पद अनादि एक मत परम ऐसा किया। यहाँ आपके पुस्तक में कैसे लिखा? अनादिमत बट श्लोक में देखिए, श्लोक में देखिए कैसा लिखा है, अनादिमत पर एक साथ लिखा है, अभी तो वैसे ना अलग अलग पुस्तक में अलग अलग लिखा है, तो आप देखिए हमारे पुस्तक में अनादिमत एक पद है, परम एक पद है, ब्रह्म एक पद है, ठीक है ना। अच्छा कोई व्यक्ति यहाँ पे मधुसूदन ऐसा तो किया अनादि लिख करके मत परम ऐसा करेंगे तब वो समास पद हो जाएगा, परंतु अनादि को एक अलग अलग अनादि में तो कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अनादि इति एक अनादि एक ये अर्थ है, और मत पर इति और मत पर एक अलग पद है, इस प्रकार अलग करके श्रीधर स्वामी ने दो अलग पद करके अर्थ किया हुआ है, एक अनादि एक मत पर। तो ये मत पर मतलब क्या हो जाएगा, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे मत मतलब पंचमी अर्थ मत, और उससे पर मतलब श्रेष्ठ,
तो ये जो मैं सगुण साकार रूप हूँ, इस सगुण साकार रूप से एक श्रेष्ठ रूप है। ये तो सगुण साकार रूप तो आदि वाला है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो रूप इस समय दिखाई दे रहा है अर्जुन तो उनको, ये आदि वाला है, परंतु इसका श्रेष्ठ रूप है जो आदि वाला नहीं है और निर्गुण देने का निर्विशेष है, ऐसा तो भी किसी ने किया हुआ है। इसका मधुचंद्र तो निषेध नहीं कर रहे, बोल ठीक है। इसलिए बोलते हैं अनादि इति च मत परम इति च पदम केचित केचित इच्छन्ति, कुछ लोग ऐसा इच्छा करते हैं। यहाँ पे दो पद बनाते हैं अनादि इति, अनादि एक एक पद है च और मत परम इति च, अरे मत पर इस प्रकार से भी कोई दोनों अलग अलग दो पद माना है। जब आप न्यूट्रल जेंडर कर देंगे ना, तो जैसे बारी 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 नहीं बारी तो ब्रह्म न्यूट्रल जेंडर है, ब्रह्म के विषय करते अनादि तो ऐसा ही जाएगा। वहाँ पे भक्तिमान मत पर, यहाँ पे भी ये जो है मत परम परम न्यूट्रल जेंडर है ही, तो इस प्रकार से दो न्यूट्रल जेंडर ब्रह्म का भीषण हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक मेरा सगुण साकार रूप दिखाई दे रहा है, इससे एक श्रेष्ठ रूप भी है मेरा। तो ऐसा अर्थ करते हैं सीधा शब्द इसका, अनादि इति च मत परम इति च पदम केचित इच्छन्ति। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मत सगुणात ब्रह्मन, मैं जो सगुण ब्रह्म हूँ उस ब्रह्म से परम, मतलब निर्विशेष रूप ब्रह्म इति अर्थ, एक निर्विशेष ब्रह्म निर्गुण का निर्विशेष, ऐसा अर्थ करना था। यदि कोई व्यक्ति इसको अनादि एक पद दिया और मत परम एक पद दिया, भगवान भाष्यकर तो अनादि मत ऐसा करते, अनादि वाला बोलते मतु बहुभ्री से मतु अर्थ आता है, उसको लेने की आवश्यकता क्या है, तो मधुसूदन चंद्र बोलते हैं उसका लेने की आवश्यकता ये है इसके निर्दिशयत्व और नित्य युक्तत्व दिखाने के लिए, ये मतलब। और वहाँ पे भगवान भाष्यकर बोलते हैं कि श्लोक में पद पाद पूर्ति के लिए ऐसे शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। अब श्रीधर स्वामी ने इसको अनादि मत परम ऐसे कहा, तो अनादि शब्द का अर्थ करेंगे जो निर्गुण निराकार निर्विशेष जो मेरा सगुण साकार से परे होगा, ऐसा अर्थ करेंगे उसका। ये होगा एक व्यक्ति का अर्थ। तो इसका मत परम, मत सगुणात ब्रह्मण परम निर्विशेष रूपम ब्रह्म इति अर्थ, निर्विशेष ब्रह्म कहना चाहते हैं। ये किसका अर्थ हो गया, अनादि मत परम, ऐसा जब अर्थ करेंगे तो तब वहां पे अहम वासुदेव आख्या पराशक्तिर यस्य इति तु अपव्याख्यान, परंतु कोई इसको ऐसा किया कि मत परम मैं जो वासुदेव हूं, यही जिसका परम शक्ति है, यही जिसका परम शक्ति, ऐसा व्याख्यान भी किसी ने। देखिए एक ही शब्द का संस्कृत शब्द का क्या क्या अर्थ अलग अलग होता है। पहले यहाँ पे क्या है, अनादिमत परम, अनादिमत मतलब जो अनादि वाला, ये भाष्यकार भी ऐसा अर्थ किया और मधुसूदन से ऐसा अर्थ किया। श्रीधर सरस्वती ने अनादि और मत परम अलग किया, वहाँ पे मत शब्द का अर्थ मैं जो समूह साधन हूँ उससे परे निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व, परंतु किसी ने यहाँ अनादि और मत परम मैं जो वासुदेव नाम हूँ जिसका पराशक्ति हूँ, उस पर शब्द का अर्थ पराशक्ति हूँ मैं जिसका, उसको कहना चाहते हैं। अब जो है यहाँ पे प्रसंग क्या होगा कि जो भगवान यहाँ पे उस निर्गुण निराकार निर्विशेष तत्व को क्यों पहले क्या बोलते हैं, बोल कर आया कि आगे क्या सब असत दोनों रूप से आप नहीं कथन कर सकते हैं। यदि आपको सविशेष का कथन करना होता तब तक उसको सत शब्दों से बोल सकते थे, परंतु सविशेष का कथन करना यहाँ पे है नहीं, निर्विशेष का ही प्रतिपादन होता है, निर्विशेष का ही साथ एकत्व होता है। तो जहाँ पे आपने निर्विशेष कहने का प्रतिज्ञा की और वहाँ पे फिर आपने प्रतिज्ञा भंग करके मैं ये मेरा शक्ति वाला ये कर दिया तो सविशेष हो जाएगा, मैं ये शक्ति वाला हूँ, ये किसका वर्णन होगा, कोई सविशेष तत्व का वर्णन होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ऐसा अर्थ नहीं किया जा सकता है। क्या क्या शास्त्र अर्थ, शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्र अर्थ को समझने के लिए आगे पीछे की क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या प्रतिज्ञा की तद अनुकूल आपको अर्थ करना पड़ता है, जो तो अर्थ आएगा ही आप समझ ही नहीं पाएंगे। इतने के छांदोग्य उपनिषद में एक जगह पे आता है प्राण बंधन हमी सौम्य मन, है ना, जैसे कहा माने हे प्रियदर्शन ये मन का बंधन तो प्राण ही है, मन का बंधन क्योंकि प्राण है, हमके द्वारा मन को नियंत्रण करते हैं, सामान्य ही अर्थ कर देते हैं। पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं देखो इसकी शुरू में क्या प्रतिज्ञा किए थे, सदैव संवेदम अग्रह आशीर् में बद, उसके बाद उत्पत्ति कर जीव को दिखाया। इसीलिए मन शब्द के द्वारा जीव और प्राण शब्द के द्वारा वो सब तत्व को लेना चाहिए, क्योंकि प्रसंग उसका है, सबका प्रसंग है। तो क्या तब अर्थ क्या हो जाएगा, ये जीव का एकमात्र आश्रय वो सब तत्व है, जीव का बंधन वो सब तत्व है जो एक अमेब अद्वित मतलब स्वरूप है। इस प्रकार से
इन चीजों को ध्यान नहीं, मतलब शास्त्रों की बातों को प्रतिपादन करने के लिए जो शास्त्रीय कला है, मतलब शास्त्रीय, उसको यदि हम छोड़ देंगे तो ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मधुसूदन सरस्वती के बोलते हैं अन्य ग्रंथ में मधुसूदन सरस्वती से पहले कैसे कैसे अर्थ किया सबको ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर ये कमी हो जाएगा, ऐसे अर्थ करेंगे तो ये कमी हो जाएगा, ये दिखाते हुए बोलते हैं। आप देखिए मत, यह तो हो गया मत सर्वनाथ ब्रह्मण परम निर्विशेष ब्रह्मण प्रतिपाद्य तेन अत्र शक्ति मत्स्य अवक्तव्यत्वात्। वहाँ पे क्या बोला कि इस प्रकार से किसी ने व्याख्या किया कि मैं कौन अहम वासुदेवा, जो वासुदेव नाम से जो वासुदेव नाम से जिसको देखा जा रहा है, पराशक्ति रजस्य, यही जिसका परम शक्ति है ना, मतलब भगवान को देख, मतलब ईश्वर ही वासुदेव। ये अभी क्या हुआ था कि कलकत्ता में मैंने बोला चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। एक व्यक्ति कृष्ण भक्त थे, वो बोलता नहीं 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 पंचम पुरुषार्थ भी है। क्या पंचम पुरुषार्थ है कि कृष्ण में पराभक्ति, कृष्ण में पराभक्ति। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो ये आपको कहाँ से मिला, क्योंकि आपकी बात को अथवा तो हमारी बात को तो प्रामाणिक नहीं है, आपको शास्त्र प्रमाण के द्वारा बताना पड़ेगा। तो ये बात को आपको कहाँ से मिला कि कृष्ण में परभक्ति पंचम पुरुषार्थ है, शास्त्र ने तो चार पुरुषार्थ ही बताया। एक ये मेरा पहला प्रश्न है। अब यदि कृष्ण में परम भक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहते हैं तो यहाँ पे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? यदि कृष्ण शब्द का अर्थ सामान्य बाल मुकुंद का एक शरीर अथवा शंख शंख चक्र गदा पद्मधारी एक शरीर को लेंगे वो तो नित्य है, शरीर अथवा नाम तो नित्य अभी नहीं है, वो कृष्ण है, मतलब कृष्ण नामक जो सत्ता है वो तो है, कृष्ण नामक शरीर तो नहीं है। तो आप किस में परम भक्ति कहना चाहते हो? आप खुद सोचिए इस चीज को, इसकी क्लैरिटी नहीं होने के कारण इतना हमारे समाज में ना भिन्नता हो जाता है, हम उससे भिन्न है कि वो अलग ऐसा बोलते ऐसा बोलते हैं, कोई भिन्न नहीं बोलते हैं, केवल आप उसकी गहराई को समझो आप क्या कहना चाहते हो। तब वो तब हमको समझाया कि ये कौन, ये जो हमारे नहीं है रमापद, रमापद तो कृष्ण भक्त तो रहता है, मतलब ठीक बोल रहे हैं आप, परंतु आपको कृष्ण शब्द का अभिप्रेत अर्थ पता है? फिर जब परम भक्ति से आप क्या समझते हैं, ये कहाँ से मिला आपको? मैं भी यही पूछा कहाँ से मिला आपको, बोलते गौरी परम्परा में ऐसे बोलते हैं। मैं बोला ठीक है आप तो पढ़े लिखे हैं विद्वान हैं जानते हैं, तो वो परंपरा को आप उनके क्या गहराई को आपने समझा, किस दृष्टि से महापुरुष बोल करके गए, ये पराभक्ति से क्या अभिप्राय है? यदि आप देखेंगे तो वो पंचम पुरुषार्थ तो नहीं होगा, वो तब मुक्ति कहें तो चतुर्थ पुरुषार्थ ही बच जाएगा वहाँ। वो असल क्या होता है अलग करके मैं कुछ कह दूँ और एक नया शब्द सुनने का लग जाए, एक अलग पंथ बन जाए, आप भक्ति से मुक्ति बोलो, मोक्ष जो मान रहे उसको बोलो, हम अस्वीकार नहीं करते, तो उसको उसका फल को देखो, तो पंचम पुरुषार्थ को बोल रहे उसको ठीक है, भक्ति से मुक्ति करो कोई बात नहीं, तो भक्ति अल्टीमेटली ज्ञान में ज्ञान में परिवर्तित परिणत हो जाएगा, वही मुक्ति स्थिति है। अथवा कृष्ण अवस्था मतलब कृष्ण के साथ एक लोक में रहना, यही तो मुक्ति मानते हैं, तो कोई बात नहीं, परंतु तो पंचम पुरुषार्थ क्यों बोलते, मुक्त होना चाहते हो, ये तो शास्त्र बोलते हैं। जब चतुर्थ पुरुषार्थ समझिए, अगर कृष्ण को मैं वेदांत से अलग कर रहा हूँ हाँ। तो मैं तो अलग ही हो जा रहा हूँ, परिच्छिन्न तो कर ही दिया, मैं तो बोल नहीं, उधर तो मैं गया ही नहीं, केवल इतना ही मात्र बोलता हूँ कि आप जरा जिस शब्द को आप प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द के अभिप्रेत अर्थ को थोड़ा सा ठीक से समझिए, तब आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अलग हूँ, वेदांत समय अलग नहीं हो, एक ही पार्ट में सभी व्यक्ति चल रहे हैं, शब्द प्रयोग तो शैली थोड़ा भिन्न होता है केवल। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि अहम वासुदेव का पराशक्ति रजस्य, ठीक है ना, मैं वासुदेव नामक जो शक्ति वो जिसका पराशक्ति है वो बोलते हैं। इति पराशक्तिस्य इति तो अपव्याख्यान, अब इस प्रकार का जो व्याख्यान है ना, ये व्याख्यान यथार्थ तो नहीं है, क्यों नहीं है, वहाँ पे कॉमा है हाँ, क्योंकि
निर्विशेषस्य ब्रह्मण प्रतिपाद्य तेन निर्विशेष ब्रह्म यहाँ पे प्रतिपाद्य है यह प्रतीक नशदुच्यते इसलिए जब हम निर्विशेष गुण को ब्रह्म को प्रतिपादन करने का प्रतिज्ञा किया है और फिर उसको सविशेष रूप में कह रहे हैं कि ये इसका पराशक्ति है तो सविशेषता हो गया विशेष मतलब एक शक्तिमान व्यक्ति बोल सविशेष है शक्तिमान अवक्तव्यवाद यहाँ पे वो शक्तिमान बोलना यहाँ पे वक्तव्य अवक्तव्य मतलब ये विषय यहाँ का वो विषय नहीं है या निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने का विषय है निर्विशेषत्तम आप निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन एक आज पता लगा आपको तो भगवान श्री कृष्ण की बात कुछ कैसे बोलते हैं न सत्तम न सदुच्यते निर्विशेष के प्रतिपादन करना चाहता है सभी देश को सतरूप में बोलते इस रूप में ही बोला न सत्तम न सदुच्यते सदसत से क्या लेना है यहाँ पे विधिमुखेन प्रमाण विषय सत्शब्देन उचित विधिमुख से और प्रमाण के द्वारा जाना जाता है इसको सत्शब्द के द्वारा कहा गया है मतलब कार्यात्मक जो जगत दिखाई पड़ते हैं वो कार्य रूप में देखो इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय विषय को जानने के लिए पांच प्रमाण है उसके माध्यम से विधि को जाना जाता है ये वो वस्तु है ना ये सामान्य वस्तु ऐसे परंतु ये वैसा नहीं है ये वैसा नहीं है इसलिए बोलते हैं विधि मुखेन प्रमाणस्य विषय सत्शब्देन उच्यते विधि मुख से ये प्रमाण का विषय इस प्रकार से जिसको कहा जाता है उसको सत्शब्द के द्वारा कहा जाता है और निषेध मुखेन प्रमाणस्य निषेध मुख से जिस प्रमाण से कहा जाता है जिस विषय को कहा जाए स्तु असत्शब्देन उच्यते उसको असत्शब्द के द्वारा बोला जाता है ठीक है ना भगवान भाष्यकर तो यहाँ पे कार्य और कारण रूप में अर्थ किया है सत्शब्द के द्वारा कार्य और सत्शब्द के द्वारा कारण लिखा ही नहीं पड़ता है असत उच्यते इस प्रकार बोलते हैं इदम तु परंतु जिस ब्रह्म के बारे में हम कथन करना चाहते हैं वो ब्रह्म क्या है कार्य कारण उभय भाव से रहित है और हम उसके लिए अभी बोलेंगे आप जैसे बोल रहे हैं अभी पकड़ेंगे गर्दन पकड़ेंगे देखिए अब रुकिए तो कि विधि मुखेन प्रमाणस्य विषय सत्शब्देन उच्यते निषेध मुखेन प्रमाणस्य विषय असत्तु असत्शब्देन उच्यते अच्छा इदम तु तद उभय विलक्षणम ये जिस ब्रह्म के बारे में हम कथन करना चाहते हैं ये दोनों से विलक्षण है ये लक्षण वाला नहीं है क्यों निर्विशेषत्वात् ये निर्विशेष होने के कारण सविशेष होता तो उसको तो इतिमुख से ग्रहण कर देते स्व प्रकाश और चैतन्य रूपत्वात् ये स्वयं प्रकाश है अशुद्ध चेतन रूप होने के कारण इस कारण से भी अश्रुति भी ऐसे ही बोलती है जैसे भगवान जी का जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह है ना इत्यादि श्रुति जहाँ से वाणी भी मत सहित वाणी भी जहाँ से वापस आ जाता है जतो जहाँ से वाच मनसा सह तम अप्राप्य निवर्तन्ते वाणी मन के सहित जिसके पास जानने के लिए गया था उसको नहीं जान करके वापस आ जाता है मतलब क्या हो गया जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है वाणी की तरह कर्मेंद्रिय मन की तरह ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है इसीलिए बोलते हैं जब वो वाक्य निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण यस्मात् तद् ब्रह्म न सद् भावत्त आश्रय न असद् भावत्त आश्रय क्योंकि वो ब्रह्म जो है सद् नामक गुण भाव उसका भी आश्रय नहीं है असद् भाव का भी आश्रय नहीं है वो किसी का आश्रय नहीं है किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता यस्मात् तद् ब्रह्म ये सद् असद् न सद् असद् असद् न सद् तद् न सद् उच्यते इसको लेकर के कई विवाद खड़ा करते हैं लोग तो यहाँ पे जस्मात् तद् ब्रह्म न सद्भावत् आश्रय ब्रह्म सद्भाव के आश्रय मतलब ब्रह्म एक धर्मी और सद्भाव हो गया एक धर्म इस प्रकार घट हो गया एक धर्मी और घटत्व हो गया धर्म घट में रहते घटत्व तो ब्रह्म हो गया एक धर्मी और उसमें सत् रूप हो गया एक धर्म ये ऐसा नहीं है सच्चिदानंद ब्रह्म जब हम बोलते हैं ये नहीं समझना कि ब्रह्म जिस एक घड़ा है घड़ा में पानी की तरह उस ब्रह्म में सत चित रखा हुआ है ये ऐसा नहीं है हाँ वो वही उसका स्वरूप होता है वो स्वरूप होता है यहाँ पे धर्म धर्मी भाव नहीं है उसका आश्रय नहीं ब्रह्म सत का आश्रय नहीं है ब्रह्म सत स्वरूप है इसलिए होता है ये समझना है मतलब शब्द को समझना क्या कहना चाहते हैं जस्मात् तद् ब्रह्म न सद्भावत्व आश्रय क्योंकि वो ब्रह्म सद्भावत्व का भी आश्रय घटत्व का आश्रय घट होता है पटत्व का आश्रय पट होता है इसी प्रकार सद्भावत्व का आश्रय ब्रह्म होगा मतलब ऐसी बात नहीं है ब्रह्म सद्रूप है बस इतना ही स्वरूप है
उसका भाव तो आश्रय भाव नहीं है। ठीक इसी प्रकार तब असत होगा वो तो असत का भी आश्रय नहीं है, जो न असत भाव तो आश्रय अतो न उच्चत, इसलिए उसको नहीं कहा के ना भी शब्द ना किसी भी शब्दों के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता है। कहाँ पर शब्द प्रयोग होता है, जहाँ पे जाति गुण क्रिया संबंध है ना वहाँ पे शब्द प्रयोग होता है। जहाँ पे जाति गुण की जाति में कई चीज आ जाते हैं, अनेकों में विद्यमान रहने वाले व्यक्ति कॉमन धर्म है उसको जाति बोलते हैं, जैसे मनुष्यत्व, फिर आपका पुरुषत्व, उद्भिदत्व, पशुत्व, अनेक पशु में रहने वाला धर्म इसको जाति बोलते हैं। कोई क्रिया अपने आप समझाएंगे के ना भी शब्द ना मुख्य वृत्ति न उच्चत, मुख्य वृत्ति से नहीं कह सकते, क्यों शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम तत्र असंभवात्। शब्द प्रवृत्ति के लिए जो हेतु होता है, शब्द प्रवृत्ति के लिए हेतु क्या है, जाति गुण क्रिया संबंध, उसके अभाव है वहां पे, कहां पे ब्रह्म में, उस निर्विशेष ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में इसके अभाव है। किसके अभाव, शब्द प्रवृत्ति हेतु ना, शब्द प्रवृत्ति का हेतु आगे बोलेंगे, जाति गुण क्रिया संबंधाना, ये मैं बोल रहा हूँ जाति गुण क्रिया संबंध का तत्र अभाव, तत्र ब्रह्मनि असंभव, वहां पे होना संभव नहीं होने के कारण समझा रहे स्वतः जाता गौर अश्य जातित है ना, ये गोत्व जाति है, अश्वत्व जाति है, पशुत्व जाति है, अनेक है, ये जाति रूप धर्म उसमें नहीं है, ये यहाँ पे अनेक में रहने वाला धर्म की ब्रह्मता आपका एक ही है, इसलिए अनेक में रहने धर्म नहीं। फिर पचती पठती इति बात क्रिया था, वो पकाता है, वो पढ़ता है, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए हम बोलते हैं देखो वो जो पका रहे ना वो है वो व्यक्ति, तब इस प्रकार यदि कोई क्रिया वहाँ पे हुआ होता तो जिसमें इस प्रकार की क्रिया होती है वो है ब्रह्म, कि वो खाना पकाता है अथवा पढ़ता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सके वो क्रिया रहित है। फिर क्रिया शुक्ल कृष्ण की गुणत है ना, कि वो गोरा काला लंबा छोटा ये भी नहीं बोल सकता, अशु है ना, वहाँ पे अहस समाधि कम अनुमहस इस प्रकार के वाक्य आता है, उसमें कोई गुण भी नहीं है। और धनी ओमान इति बात संबंध, तो धन के साथ संबंध है तो बोलते हैं धनी है, गाय के साथ संबंध अनेक गो गाय है तो बोलता है ये तो गो गाय वाला व्यक्ति है, घोड़ा वाला व्यक्ति है, इसके साथ जिसके साथ संबंध करते हैं अथवा इसका गुरु, उसका चाचा, उसका चेला, इसका पिता, उसका माता, किसी के साथ संबंध रखता तो हम इसको समझा सकते हैं, परंतु तो ये चारवी जो है ब्रह्म में नहीं है। इति अर्थ प्रत्यय यति शब्द, इस प्रकार के गुण वाला कोई वस्तु होता, जाति गुण क्रिया संबंध जहाँ पे रहता है तत्संबंधित वस्तु को शब्दों के द्वारा बोध करवाया जा सकता है। जाति गुण क्रिया संबंध जहाँ पे होगा उनमें से किसी भी एक रहने पर उसको शब्दों की तरह बोध कराया जा सकता है। अत्र क्रिया गुण संबंधेभ्य विलक्षण सर्व अपि धर्म जाति रूप उपाधि रूप व जाति पदे न संगृहित, जाति पद के द्वारा क्या ग्रहण होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं जाति शब्दों के द्वारा क्रिया गुण और संबंध इससे छोड़ करके और जिस किसी को निमित्त में शब्द प्रयोग हो सकता है उस सभी निमित्त को जाति शब्द के द्वारा ग्रहण हो जाता है। क्या बोला कि शब्द प्रयोग करने के लिए, मैंने बोला डिथ डविथ शब्द प्रयोग किया, इसका क्या अर्थ है, खिलौना कभी कभी कहते हैं, डॉल को भी बोलते हैं डिथ डविथ, तो इस प्रकार से यहाँ पे जाति शब्द मतलब इसमें गुण और क्रिया को नहीं है, गुण क्रिया संबंध नहीं है, इसको छोड़ करके और जिस किसी भी निमित्त को लेकर के शब्द प्रयोग हम करते हैं, गुण क्रिया और संबंध को तो अलग करके कहा, इन तीनों को छोड़ करके और किसी भी निमित्त को लेकर के यदि हम शब्द प्रयोग करते हैं उस निमित्त को आप जाति में ग्रहण कर लेना, ठीक है ना, उस निमित्त को आप जाति में ग्रहण कर लेना, क्योंकि पूर्व मीमांसा दर्शन न्याय प्रशासनिक दर्शनों में जैसे आपने आकाश शब्द प्रयोग किया, आकाश ठीक है ना, तो आकाश आकाश को आप एक आकाश शब्द तो जाति बोल सकते हैं, आकाश कितना है, एक है, अनेक आकाश तो नहीं है, और जो लोग सृष्टि को नित्य मानते हैं वो तो न्याय प्रशासनिक दर्शन में आकाश को नित्य माना है, चार पदार्थ ही माना है परमाणु रूप में, तो उसको तो अलग अलग सृष्टि में अलग अलग आकाश है, तो हम आकाश शब्द जाति एक ले सकते हैं, अलग अलग आकाश मानते हैं अनेकों में रहेंगे, किंतु उनके सिद्धांत कौन सा तो भी नहीं होता, लेकिन तुमने तो एक ही आकाश माना, तो वहाँ पे क्या है,
तब वो क्या बोलते हैं, शब्द गुणकम आकर्षण, किसी गुण का आश्रय को लेकर के हम प्रयोग करते हैं, वहां पर शब्द प्रयोग होता है, जो शब्द रूपी गुण का आश्रय उसको हम आकाश बोलेंगे, तब आकाश शब्द प्रयोग। आपने आकाश शब्द प्रयोग कैसे किया, आकाश में जाति है कि गुण है कि क्रिया है कि संबंध है, आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता, सर्वदा संघ पदार्थ है, आकाश अनेक नहीं है, एक है दो जाति भी नहीं हो सकता है, और आकाश में कोई क्रिया भी नहीं होता, आकाश कुछ क्रिया नहीं करते हैं, तो एक ये है, तब उनको थोड़ा गुण गुण को लेकर के बोला कि एक अवकाश दातृत्व अथवा शब्द गुणकम आकाशम, शब्द इस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं, कौन नए वैशेषिक दर्शन वाले आकाश के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि ब्रह्मों के नजदीक वस्तु आकाश ही है, आत्मा आकाश ही है, तो आकाश के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, परंतु ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोग नहीं होता। जब हम ब्रह्म शब्द बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वो सगुण साकार को रूप में ले करके निर्गुण को ध्यान में रखता है, उसके तरफ लक्षित होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अत्र क्रिया क्रिया गुण संबंधभ्य संबंधेभ्य विलक्षण सर्व अपि धर्म, उससे विलक्षण जितने सारे धर्म हैं उसको जाति रूप उपाधि रूप, कोई जाति रूप हो सकता है अथवा कोई उपाधि के कारण बोल सकते हैं, जाति पदे न संयुक्त को जाति के अंदर ग्रहण हो जाता है। जद जदृच्छा शब्द भी अपनी इच्छा से कोई शब्द आपने प्रयोग कर दिया किसी को लेकर के, आपने जो भी कोई अपने मन मन को शब्द प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, इसका क्या नाम है, तो कुछ बोलते हैं इसका ये नाम रख लो, रिंकू पिंकू टिंकू झिंकू कुछ बोल देते हैं, क्या उसका अर्थ होता है जो अपने भी पता नहीं है। तो जदृच्छा शब्द भी डिथ डबिथ आदि जब कंचित धर्म स्वात्मान प्रवृत्ति, उसमें कोई धर्म को जिसके द्वारा खेला जाता है उसको मन में रखते प्रवृत्ति निमित्तीकृत, जिस प्रवृत्ति को निमित्त को बना करके जो प्रवर्तित है यदि स्वपी जाति शब्द, उसको भी जाति के अंदर ग्रहण हो जाता है। एवं आकाश शब्द अपि तार्किकानां शब्द आश्रयत्वादि रूपम जत्किंचित धर्मं पुरस्कृत्य प्रवर्तते, इस प्रकार से न्याय प्रशासित दर्शन सिद्धांत में आकाश को आप लोग नित्य मानते हैं और आकाश को एक मानते हैं, तो वहाँ पे शब्द प्रयोग करने के लिए आकाश अनेक नहीं है तो जाति नहीं मान सकते हैं। अब क्यों, अभी क्या बोला, जाति गुण क्रिया संबंध होगा तो आप उसको शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तो आकाश में जाति है कि नहीं है, नहीं है, आकाश में क्रिया है कि नहीं है, नहीं है, आकाश किसी के साथ संबंध रखते हैं कि नहीं है, तो हमारे मुख्य पास एक ही बचा कि ये गुण आश्रय मान लिया उन लोगों ने, इसे बोलते हैं एवं आकाश शब्द भी, आकाश शब्द भी तार्किक आना मतलब न्याय वैशेषिक दर्शन में शब्द आश्रयत्वादि रूप, शब्द के आश्रय को मान करके जब किंचित धर्म पुरस्कृत कुछ सामान्य धर्म को सामने रख करके इस प्रकार शब्द को प्रयोग किया जाता है। हमारे मत में क्या है, स्वमत हेतु पृथ्वी आदि पर आकाश, हम कैसे आकाश शब्द प्रयोग करते हैं, हमारे ब्रह्म सूत्र में भी आया हुआ आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश की उत्पत्ति होती कि नहीं है, गौणी असंभव सूत्र आया हुआ है ना आपके पास, क्योंकि वहाँ पे शंका उठाया कि तैतृय उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति बताया छांदोग्य में नहीं बताया, तो क्या करें, बोलते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा समझना पड़ेंगे आकाशम वायु सृष्टा तद अग्नि अस्थिरत, उसने अग्नि को बनाया था, क्योंकि एक जगह पे कथन है दोनों श्रुति की समन्वय है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए वहाँ से हटा देंगे ये नहीं कर सकते, वहाँ पे कथन है यहाँ पे उसका समन्वय करना पड़ेगा, इसलिए होता है स्वमत हेतु मतलब वेदांतिक सिद्धांत का अनुसार तब पृथ्वी आदि पर पृथ्वी जल अग्नि फिर आपका वायु इसके समान आकाश व्यक्ति नाम, देखिए आकाश व्यक्ति नाम हमारे पास कितने आकाश है, तो व्यक्ति नाम बोल रहे हैं आकाश व्यक्तियों का षष्ठी को वचन है, क्या अनेक कल्प में अनेक आकाश हुआ, अनेक अलग 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 सृष्टियां मानते हैं, प्रत्येक सृष्टि में अलग अलग आकाश उत्पत्ति हुई, धर्म एक होने पर भी आकाश अनेक हो गया, इसको ध्यान में रखते हुए पृथ्वी आदि बात आकाश व्यक्ति नाम जन्याना, देखिए क्या लिखा है जन्याना मतलब जो उत्पत्तिशील है, आकाश व्यक्ति नाम जन्याना अनेक अथवा ठीक है ना अलग अलग कर्म में अलग अलग कर्म के कारण आकाशत्व भी जाति, इसलिए आकाशत्व एक जाति बन जाता है, अनादिकाल की सृष्टि चलता रहा कितना सृष्टि हो गया सभी में आकाश, तो आकाश भी उत्पत्तिशील वस्तु है, इसलिए अनेक आकाश को मान्यता देकर के आकाशत्व जाति को मान करके हम आकाशत्व को प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या था आशामंतात् काशते इति आकाश,
चारों तरफ जिसका विद्यमान है समझना है अवकाश प्रेतम, जिसे आकाश होता है जाति एवं वो भी जाति में गुणत है यदि सुअपी जाति शब्द, इसलिए जाति शब्द को ध्यान में रखते हुए आकाश के लिए आकाश शब्द का प्रयोग, मतलब शब्द प्रवृत्ति के निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध कुछ एक हो तभी जाति शब्द प्रवृत्त हो सकता है। तो आकाश में क्या है क्योंकि अलग अलग बातें का अलग मतलब उसको खंडन का इतना हिस्सा उठा करके जोड़ दिया। आकाश अतिरिक्त च और आकाश दिक देश काल ये जो बोलते हैं ना आकाश अतिरिक्त च दिन नास्तेव, ये दिशा शब्द दिशा के लिए शब्द प्रयोग होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वहाँ पे पूर्व आप क्या एक गुण आश्रय लेकर के जिस दिशा में सूर्य उदय होता है उसका पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है ना। एक किसी वस्तु की क्रिया को आश्रय को लेकर उसके साथ संबंध करके सूर्य उदय के साथ संबंध करके पूर्व दिशा बोलते हैं, परंतु वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार आकाश से भिन्न करके दिशा कोई अलग वस्तु नहीं है। यद्यपि नौ द्रव्य में सात पदार्थ माना उसमें नौ द्रव्य एक पदार्थ है उसमें नौ द्रव्य है, नौ द्रव्य में नौ द्रव्य आकाश काल दिशा आत्मा नौ द्रव्य मतलब ये जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा मन और आत्मा ये नौ द्रव्य माना उसने। यहाँ पे जो दिशा को आकाश से अलग माना वेदांति की ये मान्यता नहीं है, दिशा आकाश में कल्पित है, दिशा आकाश में कल्पित है, दिशा शब्द प्रयोग हुआ कैसे प्रयोग हुआ कि आकाश में कल्पना करके और एक गुण का आश्रय लेकर के जिस दिशा में ऐसा उदय हो तो उसको हम पूर्व दिशा बोलते हैं। आकाश अतिरिक्त च दिक नास्ति, किस प्रसंग में बोल रहा है जहां जहां आपने शब्द प्रयोग किया वहां पे इस चार में से कोई ना कोई एक आपको मिलेगा तब जाकर शब्द प्रयोग हो सकता है। कालश्च न ईश्वरात् अतिरिच्यते, और काल जो है ना वो भी जो है जो ईश्वर से अलग करके कोई वस्तु नहीं है, है ना, इसलिए बोलता है अतिरेक भाव यदि भिन्न होगा दिक काल शब्दों अभी दिक शब्द काल शब्द भी उपाधि विशेष प्रवृत्ति कोई एक उपाधि की प्रवृत्ति की विशेष को लेकर के आप ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। काल शब्द मान लीजिए देखिए समय तो क्या बोलते हैं कोई छकप एक घंटा से हम पढ़ रहे हैं, कोई एक साफ संबंध हो देख करके मतलब पढ़ाई के रूप में क्रिया के साथ संबंध रख करके शब्द प्रयोग हो रहा है, ये वस्तु एक घंटा यहाँ पे है दूसरे घंटे में यहाँ पे नहीं है, किसी क्रिया के साथ संबंध रख करके कि वस्तु की स्थिति के साथ संबंध रख करके हम काल शब्द को प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से जब क्रिया की प्रसंग आया तब काल के कंसेप्ट आए, इसीलिए ये भी जो है वही उपाधि के आश्रय को लेकर के यहाँ पे शब्द प्रयोग होता है। दीख काल शब्दों अपि दीख काल शब्दों की उपाधि विशेष प्रवृत्ति निमित्त को उपाधि विशेष की प्रवृत्ति के निमित्त वाले होते हुए जाति शब्द एक हो जाति शब्द के साथ एक उसकी गणना हो जाता है, जाति शब्दों एक हो जाति शब्द के अंदर गणना हो जाता है। दसवां प्रवृत्ति निमित्त चातुर्विधा चतुर्विध एक, इसलिए प्रवृत्ति के निमित्त ये जाति के अंदर क्या क्या चीज आता है सब के अंदर थोड़ा सा खोल करके मधुसूदन शक्ति दिखाए और किसी जगह पर भगवान भाष्यकार इसको नहीं दिखा, केवल जाति गुण क्रिया संबंध ही बोल दिया, परंतु जाति के अंदर क्या क्या वस्तु आ जाता है यहाँ पे दो चार दृष्टांत देकर के मधुसूदन आप शंकर भाष्य में आपको मिलेगा शब्द प्रवृत्ति हेतु है, परंतु जाति के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो यहाँ पे थोड़ा खोल के दिखा। तस्मात् प्रवृत्ति निमित्त चातुर्विधात् च चतुर्विद एव शब्द चार प्रकार से शब्द प्रयोग तत्र न सत् तत् न असत् इति जाति निषेध क्रिया गुण संबंधानमपि निषेधोपलक्षणार्थ, इस प्रकार से वहाँ पर न सत् तत् न असत् उच्चते इस शब्दों के द्वारा वो जाति का निषेध कर दिया, वो क्या हो गया क्रिया गुण संबंध का उपलक्षण हो जाता है। न सत तन न सद उच्चते यहाँ फिर सत असत दोनों से निषेध किया जाता है, जो जाति का मतलब सत जाति का भी नहीं है असत जाति का भी नहीं है, इस असत और असत कथन के माध्यम से क्रिया गुण संबंध का भी वहाँ पर निषेध है, इसको समझना चाहिए। क्यों बोलते हैं श्रुति ऐसा बोलती है एकमेव अद्वितीयम इति जाति निषेध, किस बात का अनेकों में रहने वाले गुण को आप जाति बोलते हो, अश्रुति यहाँ पे क्या बोलते हैं सजातीय विजातीय सगत भेद उससे भिन्न कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे निषेध है। तस्य अनेको व्यक्ति वृत्ति एकस्मिन असंभव, जाति अनेकों में रहने वाले साधारण धर्मों को जाति बोलते हैं और ये तो सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित एकमात्र वस्तु है, यहाँ पे इसका शब्द प्रयोग करना संभव नहीं है।
ठीक है, कुछ गुण को लेकर के बोलेंगे निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निरवंदम निरंजनम, ऐसा श्रुति वाक्य होता है। वो निर्गुणम निष्क्रियम वो गुण से भी रहित है, क्रिया से भी रहित है, परंतु अभी शब्द प्रयोग नहीं, किस निमित्त से भी शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। शांतम इति गुण क्रिया संबंधानाम क्रमेण निषेध, गुण और क्रिया के साथ संबंध को ये निषेध करता है। फिर असंगो ह्ययम पुरुष, ये आपने जो बोला आत्मा में जाति गुण क्रिया संबंध नहीं है, अपनी मनमर्जी कहाँ से लाया, बोलते मनमर्जी नहीं है, श्रुति वाक्य है, ये देखो श्रुति वाक्य एक एक करके दे रहे हैं। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निरवंदम निरंजन, यहाँ पे गुण और क्रिया के निषेध कर दिया। असंगो ही अयम पुरुष, क्या निषेध किया इस चीज का, असंगो ही अयम पुरुष 9 बार आया इस चीज को, कैसे निषेध किया इसको, इसके द्वारा संबंध का नहीं, पुरुष असंग है, ये किसके से संबंध नहीं रखता ये। अनन्वागत पुण्येन अनन्वागत पापेन असंगो ही अयम पुरुष, ऐसा करके ज्योतिर्मन में आया हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं असंग इति, यहाँ पे निषेध है, अर्थात तो आदेश नेति नेति इति च सर्व निषेध, इस प्रकार से अर्थात तो आदेश निषेध करके निषेध मुख से उसको प्रतिबंधन करते हैं, मतलब जाति गुण क्रिया संबंध इसमें कुछ भी नहीं है। तस्मात ब्रह्म न केनचित शब्देन उच्यते इति युक्तम, इसलिए देखिए पर व्याघात है, ये ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया आपने और बोलते हैं न केनचित शब्देन उच्यते, ब्रह्म को किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। शब्द प्रयोग तो किया आपने, क्या ब्रह्म शब्द तो प्रयोग किया, मतलब ये लाक्षणिक शब्द है, मतलब कोई निरतिशय व्यापकता की लक्षित करते हुए शब्द वस्तु को प्रतिबंध नहीं होता। इस प्रकार आपको इसको शंका उठाएंगे, यदि ऐसा ही है किसी शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, अरे कथम प्रवक्षामि इत्युक्तम, तो भगवान ने क्यों कहा मैं कहूँगा, जिसको शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है उसको भगवान कैसे कहने की प्रतिज्ञा करता है। प्रवक्ता जनता प्रवक्षा में बोल रहा है, क्या भगवान पागल हो गए क्या, क्या उसको पता नहीं है, तो क्यों बोल रहे कि नहीं बोलते हैं कथम पा आप जी ठीक है, यहाँ तो छोड़ दो, ये जो जिसने भगवद गीता लिखा, जिसने आपका ब्रह्म सूत्र बनाया, उसने कैसा लिखा, ब्रह्म के लक्षण क्या क्या वहाँ पे शास्त्र योनित्वा, और वहाँ पे क्या बोला कि जन्मादस्य जता शास्त्र योनित, कहाँ से पता कि जन्म उसका लक्षण क्या क्या, ये लक्षण है उनका जो शब्दों से प्रयोग किया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म क्या वस्तु है, बोलते जन्मादस्य जता, तो जिसके लिए शब्द प्रयोग नहीं था शब्द कैसे कर दिया आपने, बोलते शास्त्र से पता लगा, शास्त्र ने इस प्रकार शब्द प्रयोग किया, मतलब क्यों ऐसा करते हैं शास्त्र, क्योंकि अज्ञानी जीव को किसी तरह से उस वस्तु का बोध कराने के लिए शास्त्र किसी शब्द का अवलंबन लेकर के कराते हैं, परंतु बाद में क्या बोलता है ये शब्द भी उनके लिए यथार्थ नहीं है। यथा कथनचित लक्षण आया, जिस किसी प्रकार से लक्षणावृत्ति के द्वारा, देखिए कितना यथा कथनचित, जिस किसी, क्योंकि लक्षण करने के लिए भी शक्त संबंध लक्षण, शक्ति वृत्ति के साथ जो अर्थ आता है उसके साथ संबंध रख करके लक्षण होता है। जिसने हमने बोला गंगायाम घोषण, गंगायाम जब हम बोलते हैं तो गंगा की धारा को हम बोलते हैं, जल को बोलते हैं, जल प्रभाव के साथ संबंध रखते हैं उसका तीर, अथवा जल प्रभाव के साथ संबंध रखते हैं मछली आदि जलचर जीव। हमने जब जलचर जीव के बारे में नहीं पूछा था, पूछा था वो मतलब वो व्यक्ति कहाँ रहते हैं, तब हम जलचर जीव में नहीं जाएंगे तो गंगा किनारे जाएंगे, मतलब प्रभाव के साथ संबंध रखते हुए जो गंगा किनारा शक्त संबंध वहाँ पर लक्षण होती है। आप तो ब्रह्मा भी क्या बोला, ब्रह्म किसी के साथ संबंध ही नहीं रखता, लक्षण कैसे करोगे, वहाँ लक्षण भी तो नहीं होता, इसलिए बोलता है जत कथन से जथा कथन से, जिस किसी भी प्रकार से भाग त्याग लक्षणा को लेकर के बोलते हैं शब्देन प्रतिपादना इति गृहान, किसी शब्दों के द्वारा उसको प्रतिपादन कर दिया जा सकता है, किसी प्रकार से उसको मन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण आप ऐसा शब्द प्रतिपादन करते हैं। अब प्रतिपादन प्रकार भी कैसे हैं, यहाँ पहले बोल कर गाया आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत मतलब ये कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई सुनने कभी नहीं समझता है, सब बोल करके आया यहाँ पे, मतलब ये आश्चर्य ही रह जाता है। इसलिए बोलते हैं प्रतिपादन प्रकारस्य आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन इति अत्र व्याख्या, तो वैसे प्रतिपादन प्रक्रिया कैसे होता है वो हमने वहाँ पर व्याख्यान करके आया, मतलब ये यथार्थ तो उसका लिए कोई शब्द प्रयोग होता ही नहीं है, इसीलिए सुनकर भी कभी समझ में नहीं आता, एक अद्भुत वस्तु है ये। यदि इससे भी आपको अधिक जानने की इच्छा होता है ना तो आप शंकर भाष्य को एक बार देख लीजिए, विस्तरस्तु भाष्य द्रष्टव्य, इसका और विस्तार यदि आप देखना चाहते हैं तो शंकर भाष्य में देख लीजिए, अपनी तरफ से मत इतना नहीं किया।
तो इससे क्या लगता है कि वो वस्तु जो है ही नहीं, कि जैसा जिस वस्तु को किसी शब्दों के द्वारा नहीं प्रमाणित किया जा सकता है, जिसे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, ये वस्तु होगा नहीं, वास्तविक ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं। जब ऐसा शंका होती है तब तुरंत उसका खंडन करने के लिए अगला श्लोक को बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, एवं निरुपाधिकस्य ब्रह्मण सत् शब्द प्रत्यय अविषयत्वा असत्य आशंका न असत् अनेन अपि अपस्थायमपि विस्तारेण तद आशंका निवृत्ति अर्थ सर्व प्राणी कर्ण उपाधि द्वारेण चेतन क्षेत्र रूपतया तद अस्तित्व प्रतिपादयत आह। क्या बोला, निरुपाधिक जो ब्रह्म है, एवं निरुपाधिकस्य ब्रह्मण सत शब्द प्रत्यय अविषयता, जो सत शब्दों का विषय कार्य रूप में जिसको प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो तब क्या हो जाएगा, जिसको प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जैसे मंदा पुत्र आकाश कुछ हो तो उसका सत्ता ही नहीं है। तो यदि ऐसा असत्य शंकाया जिसका सत्ता ही नहीं है, विद्यमान है नहीं, ऐसा होने पर तो श्रुति अपने आप क्या कहते हैं, नहीं वो असत भी नहीं है, पंत इतना मात्र से वो सिद्ध नहीं होता, असत नहीं है तो क्या है वो तो बताओ। तो असत यदि अनैन अपान जिसके द्वारा थोड़ा निराकरण हो जाने पर भी विस्तारे ने तब आशंका निवृत्त, विस्तार से ब्रह्म नामक वस्तु की है ही नहीं, इस शंका को निराकरण करने के लिए विस्तार आशंका निवृत्त सर्व प्राणी कर्ण उपाधि द्वारे न समस्त प्राणियों की जो इंद्रियां हैं उस इंद्रियों के माध्यम बना करके, इंद्रियों के माध्यम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने कल भी बताया था आपका जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भूत और भौतिक से उत्पन्न होने के कारण ये जड़ है, और जड़ में चेतन की तरह व्यवहार देख करके हम निश्चय कर सकते हैं कोई एक चेतन तत्व तो जरूर अंदर होगा, नहीं तो व्यवहार नहीं कर सकता है। इसको ध्यान में रखते इसी को अवलंबन करके श्रुति उस तत्व की विद्यमानता को दिखाने के लिए अगला श्लोक को बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं सर्व प्राणी कर्ण उपाधि द्वारे न समस्त प्राणियों की जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को उपाधि को उस उपाधि को माध्यम बना करके उस उपाधि को माध्यम बना करके चेतन क्षेत्रज्ञ रूपतः है वो क्षेत्रज्ञ एक चेतन तत्व है, नहीं तो जड़ में प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। तद अस्तित्व उस चेतन तत्व की उस क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व तो ब्रह्म के अस्तित्व को प्रतिपादयन प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक को कहते हैं प्रतिपादन आत। तो दोनों श्लोक में संबंध आ गया, ब्रह्म तत्व को कहने के लिए प्रतिज्ञा की भगवान श्री कृष्ण। तो पहला बोला तस्य तन्न सदुच्यते, तब जब बोलते हैं कि इस प्रकार का शब्द से लगता है कि तत्व है ही नहीं, तब बोलते नहीं 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 है, ये बात नहीं है, वो रहने के कारण सारे व्यापार दिखाई पड़ते हैं, उसको समझाने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं सर्वतः पानी पादम सर्वतः पानी पादम सर्वतो क्षीशिरो मुखम सर्वतो क्षीशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति सर्वमावृत्त तिष्ठति सर्वतः पाणिपादन्त सर्वतो शीशुरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति। तद मतलब तद ब्रह्म क्या है, सर्वतः पाणिपादम, जहाँ पे कोई हाथ पैर दिखाई दे रहा है सब उसी का हाथ पैर है। हम हमारे अस्तित्व को कैसे मानते हैं, जब हम देखते हैं शरीर हाथ पैर काम करता, हाँ मैं हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि यही हमारे लिए उपाय है कि उस ब्रह्म तत्व है कि नहीं, समझाने के लिए क्या करेंगे, जितना आपको हाथ पैर दिखाई दे रहा है ना वो सब उन्हीं का हाथ पैर है, सर्व समस्त हाथ पैर वाला, चाहे चींटी का हाथ पैर हो, चींटी का पेट हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, वो सब हाथ पैर एक का ही है, ब्रह्म का सर्वतः पानी पादम, हर जगह पे जिसका हाथ और पैर विद्यमान है। ये बोले इतना ही नहीं, हाथ और पैर के द्वारा कर्मेंद्रियों को दिखाया, अब ज्ञानेन्द्रियों को दिखाएंगे सर्वतोक्ष शिरोमुखम, जितना आपका आंख दिखाई पड़ते हैं, जितना आपका सिर दिखाई पड़ता है, जितना मुंह दिखाई पड़ता है, सब एक ही का तो है, तभी तो दिखाई विराट रूप, सब एक भगवान का एक शरीर में सब कुछ विद्यमान है। इसलिए बोलते हैं
ये सर्वतोक शिशु लोगों का चारों तरफ की जिसका आँख शीर मुख है वो जितना आँख शीर मुख दिखाई सब उसी का है, सारा आँख शीर मुख वाला है वो। सर्वतः श्रुतिमल लोके जितना चारों तरफ से आप आवाज़ सुनाई देते हैं सारे श्रवणेन्द्रिय भी वही का ही है, वही सब चीज़ को सुनते हैं लोके। सर्व आवृत्त तिष्ठति वो क्या करते हैं सबको घेर करके विद्यमान अंदर बाहर सभी वस्तु को अपने में आवृत करके अपने को घेर करके विद्यमान रहते हैं। फिर अभिप्राय क्या है समस्त वस्तु की सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं, है ना। जब कभी भी किसी जगह में किसी वस्तु की सत्ता स्फुरन आपको दिखाई दे रहा है घट है वो घट हो गया माया के अंश और है हो गया ब्रह्म के अंश, तो क्या हो गया वो समस्त हाथ पैर माया के जितना अंश है उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए उस तत्व की विद्यमानता सिद्ध हो जाती है। इसलिए वो नहीं है ये नहीं कह सकते, ये आशंका मन में उठना ही नहीं चाहिए कि ब्रह्म अथवा ईश्वर नामक कोई वस्तु नहीं है। क्यों उसी के रहने के कारण साक्षात के हर वस्तु की सत्ता स्फूर्ति सिद्ध होते हैं। यदि वो नहीं होते कोई वस्तु सत्ता ही प्राप्त नहीं करता, कोई हाथ पैर नहीं चलता, कोई देख नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाते, जहाँ कहीं से वो अपने को विथड्रॉ कर देते हैं वही चीज से सूख जाता है। चंद को आदि तक नहीं थे कल करेंगे इसके लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। Yeah.